हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि पहरावर जमीन के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में घोषणा भी कर चुके हैं कि जमीन संस्था को दे दी गई है, इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांसद अरविंद शर्मा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सांपला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि ब्राह्मणों ने प्रत्येक समाज के लिए त्याग और बलिदान दिया है, जो कि इतिहास में दर्ज है। ब्राह्मण का मतलब एक समाज नहीं बल्कि 36 बिरादरी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम से ही हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की और अदय धैर्य साहस पराक्रम त्याग और विदिक्त भाव की भी सीख मिलती है। सभी को उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश की बेहतरी के लिए प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्रत्येक युद्ध में विजयी होता है, अज्ञानी के लिए कोई भी साधन सहायक नहीं बन सकता। भगवान परशुराम को साहस विविधता एवं वीरता का प्रतीक माना जाता है और भगवान परशुराम एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना चाहिए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास औहल्यान की रिपोर्ट। मन की बात भी प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड और अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जयंती का प्रोग्राम होता है, लेकिन पूरा एक महीना पूरे देश के अंदर कभी कोई मना रहा है कभी कहीं मना रहा है, बड़े देश के अंदर बहुत उत्साह के साथ भगवान परशुराम जयंती का आयोजन होता है और आज 100वां एपिसोड माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आपने देखा भी होगा। 100 एपिसोडों में लगभग 100 करोड़ लोगों ने मन की बात को सुना है और प्रधानमंत्री जी ने कोई तबका ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता रहा हो। किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, खिलाड़ी, हमारे एक्स सर्विस मैन, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फौजी भाई, हमारे फोर्स के साथी, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग, सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के जरिए से हरेक क्षेत्र को छुआ है। आज जो है 100वां एपिसोड है, पूरे उत्साह के साथ आप देखोगे गली गली में, मोहल्ले में, गांव-गांव में लोग, महिलाएं, बुजुर्ग बहुत उत्साह के साथ आज 100वें एपिसोड को जो मनाने जा रहे हैं। सब बहुत जोश में है माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। आज कम से कम 4 लाख जगह पर देश के अंदर ये मन की बात का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, उसको सुना जा रहा है। ये ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक इतिहास बनने जा रहा है। धन्यवाद जी। आपने ब्राह्मणों के लिए आवाज उठाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैंने पहले भी कहा है, ब्राह्मण का मतलब 36 बरादरी। ब्राह्मण सबको साथ लेकर चलता है और ब्राह्मणों ने दिखाया भी है कि ब्राह्मणों के अंदर एक प्यार प्रेम देश को जोड़ने का भावना। अब भी परावर की जमीन पे जो है मामला चला हुआ है, वहाँ पे जयंती नहीं मनाने दी गई, क्या मामला था? परावर की जमीन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने करनाल में घोषणा की थी, मुझे लगता है प्रशासनिक तौर पर को अफसरशाही कुछ न कुछ शरारत कर रही है, उसकी सारी छानबीन करके इसको जल्दी निकालेगा। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।